मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं बेसन की फुलकियों का सालन। इसके लिए मैंने दो छोटी प्याज, 5 से 7 जवे लहसुन के, 1 टमाटर दरमियाना और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने इसके अंदर ये वाले 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए थे। अब इसके अंदर जो मैंने मसाला पीसा है वो सब ऐड कर देंगे। ये देखें, अब ये अच्छी तरह जब भून जाएगा अब इसके अंदर हम और मसाले इसके ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। भून गया, इसका देखें बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम 1 से 2 गिलास पानी के डालकर इसको अच्छी तरह पानी को पकाने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा शोरबा टाइप सालन बन जाए। ये मैंने बेसन लिया है तकरीबन 1.5 से 2 कप। इसमें हम थोड़ी सी मिर्चें डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने मिर्चें डाली हैं और थोड़ा ही सा नमक डालेंगे क्योंकि हम सालन के अंदर भी नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे पेस्ट बनाकर इसका और आधे घंटे के लिए इसको ठहरने के लिए रख देंगे ताकि इसका पेस्ट अच्छी तरह से बेसन नरम हो जाए। ये देखें, ये मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको अब हम थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद हम इसकी ऑयल के अंदर डीप फ्राई फुलकियाँ बनाएंगे। ज़रा सा बेसन डाल के देखिए, अब मैं इसके अंदर छोटी छोटी सी फुलकियाँ बनाऊँगी। अब हम इसमें निकाल के पानी में डाल देंगे। अब इसको हम इस तरह हल्के हाथों से पूरा रखते हुए दबा देंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ एक प्लेट में इकट्ठे कर लिए हैं। जब सालन तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको उसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये सालन तैयार है, इसके अंदर ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके हम अंदर ये फुलकियाँ डाल देंगे। मज़ेदार फुलकियों का सालन तैयार है, इसे आप लॉकडाउन में तो ज़रूर ही ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।